लंबे इंतजार के बाद दोस्तों फाइनली नोकिया ने नोकिया 6.1 प्लस को इंडिया में लॉन्च कर दिया है और इसकी जो प्राइस है वो काफ़ी कमाल की रखी गई है, सिर्फ 15,999 रुपये रखी गई है। और इसी प्राइस में दोस्तों आपको और कई फ़ोन देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि MI A2 हो गया, वो आपको 16,999 रुपये में देखने को मिल रहा है। उसके बाद आपका Redmi Note 5 Pro हो गया, वो भी आपको 15,000 में देखने को मिल रहा है। उसके बाद Asus ZenFone Max Pro M1 हो गया, वो भी आपको 15,000 की प्राइस में देखने को मिल जाता है। तो ऐसे में क्या Nokia 6.1 Plus जो है इन फ़ोन को कड़ी टक्कर दे सकता है या इनकी बड़ी कर सकता है या फिर इनको बीट कर सकता है? और आज दोस्तों हम लोग कंपेयर करेंगे MI A2 और Nokia 6.1 Plus का और आपको बताएंगे आपको MI A2 लेना चाहिए या फिर आपको लेना चाहिए Nokia 6.1 Plus, या फिर Nokia 6.1 Plus किन लोगों को लेना चाहिए और MI A2 किन लोगों के लिए है, सारी डिटेल्स इस वीडियो में। तो इसके लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा और आपने अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जल्दी से कर लीजिएगा। दोस्तों दोनों ही फ़ोन काफ़ी कमाल के हैं, MI A2 और Nokia 6.1 Plus दोनों में ही आपको काफ़ी अच्छे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, लेकिन अगर आपको इन दोनों में से एक चूज़ करना होगा तो ये फिर काफ़ी मुश्किल डिसीजन हो जाता है बहुत लोगों के लिए। तो आप जो है इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको Nokia 6.1 Plus लेना चाहिए या फिर आपको लेना चाहिए MI का A2। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं दोनों फ़ोन के डिज़ाइन और डिस्प्ले के बारे में। अगर डिज़ाइन की बात की जाए तो आपको MI A2 में मेटालिक, फुल्ली मेटालिक डिज़ाइन देखने को मिलता है, पीछे की तरफ डुअल रियर कैमरा और फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। वहीं अगर दोस्तों हम बात करते हैं Nokia 6.1 Plus की, तो Nokia 6.1 Plus में आपको काफ़ी प्रीमियम डिज़ाइन देखने को मिलता है, पीछे की तरफ आपको ग्लास बैक बॉडी देखने को मिलती है। तो Nokia 6.1 Plus जो है ग्लास बैक बॉडी होने के कारण ज़्यादा प्रीमियम लगता है। वहीं अगर दोस्तों हम बात करते हैं दोनों फ़ोन के डिस्प्ले के बारे में, तो आपको MI A2 में जाती है 5.99 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले, 18:9 का यहां पे आपको एस्पेक्ट रेशियो देखने को मिल जाता है और इसमें आपको गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है। वहीं अगर हम बात करते हैं Nokia 6.1 Plus की, तो Nokia 6.1 Plus में आपको 5.84 इंच की डिस्प्ले मिलती है, ये भी एक फुल HD प्लस डिस्प्ले है, 19:9 का एस्पेक्ट रेशियो यहां पे आपको देखने को मिल जाता है और डिस्प्ले में आपको नॉच देखने को मिल जाती है जो कि आजकल एक ट्रेंड सा बन गया है। और यहाँ पे जो प्रोटेक्शन दी गई है वो है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की। तो अगर हम ओवरऑल चीज़ें देखें डिज़ाइन और डिस्प्ले, तो ये टोटली आप पे डिपेंड है कि आपको मेटालिक डिज़ाइन पसंद है या फिर आपको पसंद है ग्लास बैक बॉडी। और अगर आपको नॉच वाली डिस्प्ले पसंद है तो आप Nokia 6.1 Plus के साथ जा सकते हैं, और अगर नॉच पसंद नहीं है तो आप MI A2 को चूज़ कर सकते हैं। तो ये अपनी पर्सनल चॉइस पे डिपेंड होता है, किसी को नॉच पसंद होती है, किसी को नॉच पसंद नहीं होती है। तो यहाँ पे जो है आप पे डिपेंड है कि आपको नॉच चाहिए या फिर नहीं चाहिए, या फिर ग्लास बैक बॉडी चाहिए या फिर मेटल की चाहिए। अब अगर दोनों फ़ोन के परफॉर्मेंस को लेके बात की जाए, तो स्नैपड्रैगन 660 का ऑक्टा कोर प्रोसेसर आपको देखने को मिल जाता है MI A2 में, और इसमें जो GPU है वो है एड्रिनो 5112 का। वहीं अगर हम बात करें Nokia 6.1 Plus की, तो Nokia 6.1 Plus में आपको मिलता है स्नैपड्रैगन का 636 का ऑक्टा कोर प्रोसेसर, और यहाँ पर जो GPU है वो है एड्रिनो 509 का। तो यहाँ जो है परफॉर्मेंस में थोड़ी सी आपको डिफरेंट देखने को मिल सकती है, क्योंकि प्रोसेसर जो है दोस्तों वो MI A2 में आपको थोड़ा सा बेटर देखने को मिलता है। तो डे टू डे यूजर्स में थोड़ा सा आपको फर्क पता चल सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा फर्क जो है वो आपको दोनों ही फ़ोन में देखने को नहीं मिलेगा परफॉर्मेंस के मामले में। दोनों ही फ़ोन जो है 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ आते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस के लिए पिक करना रहेगा दोस्तों, तो यहाँ पर मैं जो है MI A2 को पिक करना चाहूँगा। अब बात कर लेते हैं दोनों फ़ोन के कैमरास के बारे में, तो 12+20 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा आपको MI A2 में देखने को मिल जाता है, और यहाँ जो एपर्चर आपको देखने को मिलता है वो है f1.75 का। तो यहाँ पे दोनों ही सेंसर में आपको f1.75 का एपर्चर देखने को मिल जाता है, लो लाइट में काफ़ी अच्छी फोटो जो है आप इस फोन से खींच पाएंगे। वहीं अगर हम बात करते हैं Nokia 6.1 Plus की, तो Nokia 6.1 Plus में आपको मिलता है 16+5 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा, और यहाँ जो एपर्चर मिलता है दोस्तों वो मिलता है आपको f2.0 और f2.4 का। तो रियर कैमरा में नो डाउट दोस्तों परफॉर्मेंस जो है रियर कैमरा की आपको बेटर देखने को मिलेगी MI A2 में। तो अगर आपकी रियर कैमरा मेन प्रायोरिटी है तो आप MI A2 के साथ यहां पे जा सकते हैं कैमरा के लिए। वहीं अगर बात करें सेल्फी कैमरा की, तो वहां पे आपको मिल जाता है 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा विद LED फ्लैश के साथ आपको MI A2 में, लेकिन Nokia 6.1 Plus में आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, यहां पे कोई भी आपको फ्लैश लाइट देखने को नहीं मिलती है। तो सेल्फी कैमरा जो है दोनों का ही ठीक है, लेकिन MI A2 में जो है आपको
फ्लैश लाइट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, तो वो जो है काफी अच्छी बात है। आप लो लाइट में भी अच्छी सेल्फी ले पाएंगे MI A2 से, तो ये बेनिफिट रहता है MI A2 में। तो ओवरऑल अगर कैमरास को देखा जाए दोनों फोन का, तो कहीं ना कहीं MI A2 जो है आपको बेटर कैमरा परफॉर्मेंस देगा। तो आपको कैमरा अगर चाहिए अच्छा, तो MI A2 के साथ आप जा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको नोकिया 6.1 प्लस से अच्छा फोटो देखने को नहीं मिलेगा। नोकिया 6.1 प्लस में भी आपको काफी अच्छी फोटो देखने को मिलेगी, लेकिन MI A2 में जो परफॉर्मेंस होगी वो थोड़ी सी बेटर होगी। अब बात कर लेते हैं दोनों फोन के बैटरीज की। तो यहाँ पे MI A2 में आपको मिलता है 3010 mAh की बैटरी, साथ ही आपको क्विक चार्ज 4 प्लस का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। लेकिन सेडली इसमें जो चार्जर दिया गया है बॉक्स के अंदर, वो एक 10 वाट का नॉर्मल चार्जर है जो कि फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट नहीं करता है। तो अगर आपको फास्ट चार्ज करना है अपने फोन को, तो आपको जो है फास्ट चार्जर अलग से खरीदना पड़ेगा। वहीं अगर दोस्तों बात करें नोकिया 6.1 प्लस की, तो नोकिया 6.1 प्लस में आपको 3060 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, साथ ही इसमें जो है दोस्तों आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, क्विक चार्ज 3.0 का सपोर्ट देखने को मिलता है, जिसके मदद से आप जो है 30 मिनट में 50% तक बैटरी को चार्ज कर पाएंगे। और यहां पे आपको बॉक्स के अंदर ही फास्ट चार्जर भी देखने को मिल जाता है, जो कि काफी अच्छी बात है। तो बैटरी के मामले में कहीं ना कहीं थोड़ा सा ही सही, लेकिन MI A2 जो है पीछे रह जाता है, क्योंकि उसमें आपको क्विक चार्जर भी बॉक्स में देखने को नहीं मिलता है। अगर बात करें दोनों ही फोन के ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो यहाँ पे दोनों ही फोन में आपको एंड्रॉयड 8.1 ऑडियो देखने को मिल जाता है, और दोनों ही फोन जो है लॉन्च हुआ है एंड्रॉयड 1 प्रोग्राम के साथ। तो अपडेट जो है दोनों ही फोन में आपको काफी फास्ट देखने को मिलेंगे, और दोनों ही फोन में बहुत जल्द जो है आपको एंड्रॉयड पाई का भी अपडेट देखने को मिल जाएगा। तो अपडेट के लिए दोनों ही फोन में जो है आपको रेगुलर अपडेट देखने को मिल जाएंगी, तो इसके लिए आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। बाकी अदर चीज़ों की बात की जाए, तो दोनों ही फोन में आपको USB टाइप सी पोर्ट देखने को मिल जाता है, साथ ही फिंगरप्रिंट सेंसर का भी सपोर्ट दोनों ही फोन में आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन नोकिया 6.1 प्लस में और MI A2 में कुछ डिफरेंट है, जैसे कि नोकिया 6.1 प्लस में आपको 3.5 mm ऑडियो जैक और माइक्रो SD कार्ड लगाने के लिए हाइब्रिड सिम स्लॉट देखने को मिलता है, लेकिन MI A2 में ना ही आपको माइक्रो SD कार्ड लगाने का स्लॉट मिलता है और ना ही 3.5 mm ऑडियो जैक मिलता है। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा लेट डाउन हो सकता है उन लोगों के लिए जिनको मेमोरी एक्सपांड करना हो और 3.5 mm ऑडियो जैक लगाना हो, क्योंकि मिड रेंज फोन के लिए दोस्तों मुझे नहीं लगता है कि 3.5 mm ऑडियो जैक को हटाना चाहिए था और माइक्रो SD कार्ड स्लॉट को भी हटाना चाहिए था। और अगर दोस्तों प्राइस की बात की जाए, तो यहां पे भी 1000 का डिफरेंट है। नोकिया 6.1 प्लस की प्राइस है 15,999 रुपए 4GB रैम 64GB स्टोरेज के लिए। वहीं अगर हम बात करते हैं MI A2 की, तो उसकी प्राइस रखी गई है 16,999 रुपए। तो 1000 का प्राइस का भी डिफरेंट है। तो दोस्तों ये था कंप्लीट कंपैरिजन दोनों ही फ़ोन का। दोनों ही फ़ोन काफ़ी अच्छे हैं, दोनों ही फ़ोन में काफ़ी अच्छे फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, लेकिन कुछ एडिशनल फीचर्स जो है वो आपको नोकिया 6.1 प्लस में देखने को मिलता है। और अगर आपको इन दोनों फ़ोन में से चूज़ करना हो दोस्तों, तो MI A2 आप जो है परफॉर्मेंस और कैमरा के लिए ले सकते हैं, लेकिन अगर बाकी अदर चीज़ों को हम छोड़ दें, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं नोकिया 6.1 प्लस में आपको नॉच वाली डिस्प्ले मिल जाती है, उसके बाद जो है आपको इसमें ग्लास बैक बॉडी भी देखने को मिल जाती है, और बैटरी भी जो है थोड़ी बड़ी मिलती है, साथ में आपको फास्ट चार्जर भी बॉक्स में देखने को मिल जाता है। तो ये ओवरऑल चीज़ें जो है आपको नोकिया 6.1 प्लस में एडिशनल मिलती है, ज़्यादा मिलती है। तो इसके लिए जो है आप नोकिया 6.1 प्लस को चूज कर सकते हैं। और दोस्तों मैं यहाँ पे एक बात और आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि नोकिया की जो ब्रांड वैल्यू है वो MI से काफ़ी ज़्यादा है, तो इसके लिए भी जो है आप नोकिया को चूज कर सकते हैं। तो ये था मेरा कंप्लीट कंपैरिजन। आई होप कि आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत हेल्प मिली होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, और हमें कमेंट में जरूर बताएं दोस्तों कि अब आप जो है नोकिया 6.1 प्लस लेना चाहोगे या फिर आप MI A2 लेना चाहोगे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए।